तो नमस्कार दोस्तों, मैं कोठारी आई सर से विनोद और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोठारी आई सर पे। तो फ्रेंड, ट्रैक्टर आया है हमारे पास महिंद्रा 275 बी, जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंड, जब भी ट्रैक्टर रोड पे चलता है तो उसमें होता क्या है कि अगले पहिए दोनों बबलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आप ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं भगा पाओगे, आगे से ट्रैक्टर हिलेगा दोनों पहिए। तो इसके लिए इसमें क्या फॉल्ट होता है, क्या पार्ट इसमें ख़राब होता है, जिसकी वजह से है कि जो अपने अगले जो टायर है जो बबलिंग करने लगते। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और चलते हैं वीडियो की ट्रैक्टर की ओर, और आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या जो पार्ट्स ख़राब हुआ है और क्या हमने इसमें चेंज किया है। तो मैं ये पहला फॉल्ट है फ्रेंड बताऊँगा। ऐसे तो बबलिंग करने के बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, मगर सबकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो ये पहला फॉल्ट आया है हमारे पास ट्रैक्टर जो बबलिंग करते हैं इनके दोनों टायर अगले। तो इसमें चलिए फ्रेंड देखते हैं, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम ट्रैक्टर के पास आ गए, तो महिंद्रा V275 DI। इसके आप देख रहे हो सामने ये दोनों टायर जब ट्रैक्टर भगता रोड पे तो ये बबलिंग करने लगते हैं। तो इसकी क्या फॉल्ट हो सकती है फ्रेंड, क्योंकि हमने आपको बताएंगे हम आपको वीडियो में कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो आ सकते हैं। तो फ्रेंड सामने आप देख रहे हो, जैसे आप चलाते हो तो स्टेयरिंग है ना, ये है स्टेयरिंग और ये है इसके अगले पहिए। तो ये क्या है कि ये बबलिंग करने लगते हैं, हिलने लगते हैं ऐसे। तो इसके लिए हमने क्या क्या इसमें जो पार्ट्स बदला है, तो इसमें पहला जो पार्ट्स है फॉल्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस किस वजह से ऐसे। तो बहुत सारी जो वजह होती है जिसकी वजह से ट्रैक्टर बबलिंग करते हैं अगले टायर। तो पहली वजह हमने इसमें क्या चेंज किया, तो फ्रेंड देख सकते हो वीडियो में। तो ये देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला फॉल्ट है फ्रेंड, आप देख रहे हो ये टायर है, ये टायर आड एंड हमने चेंज किए हैं दोनों, और ये कौन सी कंपनी के हैं वो भी मैं बताऊँगा आज। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो इसके पुराने टायर आड एंड है जो हमने चेंज किए हैं। तो ये फ्रेंड इसके पुराने टायर आड एंड जो हमने निकाले हैं, ये क्या है कि फ्रेंड ये हिलने लगते हैं, ये बबलिंग करने लगते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो ये काफ़ी ढीला है, ये भी ढीला है, ये आप कंडीशन देख सकते हो, गोटियाँ बाहर आ गई इनकी, ये तो बिल्कुल ढलपुंग ढलपुंग है फ्रेंड। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, ये तो हमने चेंज कर दिए हैं, मगर किसान ये समझ नहीं पाता है कि ट्रैक्टर किस वजह से बबलिंग करता है। तो ये तो पहली वजह है फ्रेंड कि ट्रैक्टर बबलिंग करता है टायर रेट ख़राब होने की वजह से, और इसके अलावा भी फ्रेंड इसमें बबलिंग करने की बहुत सारी वजह होती है। तो जैसे जैसे फॉल्ट आएगा, ट्रैक्टर आएगा हमारे पास वैसा फॉल्ट वैसी हम वीडियो आपको बताएँ, बना के दिखाएँगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड बाय, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये टायर आर्ड आप एंड देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है आईसर कंपनी का, हमने टायर आर्ड एंड लगाए हैं आईसर ट्रैक्टर में, ये लगते हैं।